झूठी झूठी रमा प्रभा। ये धरना किस लिए? आपने मुझसे झूठ कहा कि वैशाली को हिंदी नहीं आती। जानती है इससे मेरा कितना नुकसान हुआ? इसमें तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? उसे हिंदी नहीं आती तो मेरा कनेक्शन जुड़ते जुड़ते कट हो गया, बोलती बंद हो गई। मैंने अपने दिल के जज्बातों को दिल में ही दबा दिया गुरु माँ। अगर उसे हिंदी आती तो अब तक मैं उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके किसी ना किसी तरीके से उसे फंसा ही लेता। जानती थी इसीलिए तो झूठ बोला। गुरु माँ मुझे घुमा फिरा के बात नहीं करनी, अपने दिल की बात बता देता हूँ। मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इससे प्यार करता हूँ। पता नहीं ये क्या सोचती है, पर अब इसे मनाना आपकी जिम्मेदारी। मैंने फैसला कर लिया, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और शादी करूंगा। That's it. मेरे साथ आओ। इतनी जल्दी मान गई? आओ यहाँ बैठो। मुझे देखते ही तुम्हें प्यार हो गया। तुम्हें मैं इतनी अच्छी लगती हूँ? बहुत ज्यादा अच्छी लगती हूँ। तो बताओ कि तुम्हें मेरे मन से प्यार है या तुम मेरे इस तन से प्यार करते हो? ऑफ कोर्स तन से। तुम्हारे मन में क्या है ये मैं कहाँ जानता हूँ। पता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, ब्यूटीफुल स्माइल, एकदम गोरी चिट्टी हो, और क्या चाहिए। मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हें मेरे इस तन से प्यार है बल्कि मेरे मन से नहीं। ये तन तो मिट्टी का बना है, मतलब मरने के बाद तो हमारा ये शरीर नश्वर हो जाता है और हमारा खून भी पानी बनकर मिट्टी में मिल जाता है। सिर्फ हमारी आत्मा ही बचती है, यहाँ तक हमारी सांसें भी हवा में मिल जाती हैं। ओह, तो ये मिट्टी है? वाव, ये मिट्टी कितनी नर्म है ना। तो इस मिट्टी के लिए तुम्हें कोई मोह नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा नहीं है, अच्छी बात है। मेरा एक छोटा सा काम करेंगे? हाँ जी बोलिए। स्मॉल फेवर। हाँ हाँ। मेरे साथ एक रात गुजारेंगे? शरीर तो मिट्टी है ना, अपनी फालतू फिलोसफी मुझ पर मत झाड़ो। कहती है सिर्फ मिट्टी है, अगर इसे सिर्फ मिट्टी समझती हो तो इसका ख्याल क्यों रखती हो। सब कुछ करना बंद कर दो, ये रोज रोज नहाना, योगा, मेडिटेशन, सब्जियाँ खाना, फल खाना, सेहत का ख्याल क्यों रखती हो। गुरुमा यहाँ से, ये बेकार की बातें कर रहा है। जवाब तो दो। रंगा रंगा, मेरा बेटा ठीक हो गया? ठीक हो गया ना? इसको अभी होश आ गया है, आप लोग इससे बातें कर सकते हैं। रंगा, मेरा बेटा, मेरे प्यारे बच्चे, मेरा प्यारा बच्चा, आंखें खोलो, देखो तुम्हारी माँ आई है। तुम्हारी माँ आई है। तुम्हारी माँ, देखो तुम्हारी माँ आई है। माँ, आपका रोना देख के हमारा रोना निकल गया। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आंखें खोल रंगा। बढ़िया लोकेशन है, अच्छे से शूट करना। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनिया। चलिए आपको कुछ दिखाती हूँ। मैंने भी देखा। क्यों भाई, दादागिरी है? ऐसे ही फ्री में उठा के लेके जाएगी? फ्री में नहीं, मैं भिक्षा मांग रही हूँ। अच्छा, लग तो नहीं रहा। भोली भाली शक्ल बना के झोला लेके ऐसे खड़ी रहोगी तो दुकानदार को सामान देना ही पड़ेगा ना। Yes, I am begging. बाप रे, इंग्लिश में भीख मांग रही है। गुलाबो, एप्पल चाहिए क्या? जी। आजा, ले ले। एक काले कौवे, चोंच बहुत लंबी हो गई है, लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहा है। कब से तुम भी तो वही कर रहे हो, तुम भी तो मुझे छेड़ ही रहे हो ना। क्या कहा, इस कौवे से तुम मेरी बराबरी कर रही हो? कर रही हूँ। मैं हीरो हूँ और ये विलन है। कचरा कर दिया, मुझे विलन से कंपेयर किया। मैं तो सोचता था मेरी शक्ल और हरकतें हीरो जैसी है, पूरी हवा निकाल दी।
एप्पल नहीं चाहिए क्या? चलना, इससे और रसीले एप्पल दिलाता हूँ, बिल्कुल तुम्हारे गालों की तरह लाल और रसीले। कब से देख रहा हूँ साले लड़की को छेड़े जा रहा है, दूरी देखो क्या हाथ दूर है, अभी लड़के दूंगा, इग्रो बनने आ रहा है, कांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा, इसे दिखाई मत देना, चल निकल यहाँ से, इसे माफ कर दीजिए, आप जाइए, आना, शांत हो जाओ, प्लीज, उस पर हाथ क्यों उठाया तुमने? क्योंकि वो बदतमीजी कर रहा था। अगर किसी को सजा देने का हक है तो भगवान को है, तुम कौन होते हो सजा देने वाले? तुम्हें अब तक पता नहीं चला मुझे भगवान ने ही भेजा है, तुम बस देखती जाओ, मैं इन्हें एप्पल खिला के आता हूँ। क्यों मैं कौवे? नहीं, रुको, एप्पल खिलाने का शौक है ना? ऐसा मत करो। तू रुक, प्लीज। सलाम कर रहे हो, इतनी जल्दी डर गए क्या? आइए आइए आइए, पहले आप आइए। रुको, अरे वाह क्या बात है, मुझे आप लोगों की खातिरदारी बहुत अच्छी लगी। आइए आइए, अरे वाह क्या मस्त जगह है, कोई दावत वावत? आइए आइए, खुद ही देख लीजिए। अब समझ में आया, तो बकरे को हार पहना के बलि देने लाए। ये कुंफू है क्या? मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हारा ब्रूस ली स्टाइल, मेरा फ्री स्टाइल, दोनों फाइट करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। ओ, समझ में नहीं आया क्या? फाइटिंग मिक्सअप हो जाएगा, समझे? बहुत जोर की मारी यार। कैसा लगा? यू नो, हैदराबाद मेरा शहर है, मैं तुम्हें यहाँ मारूंगा, उसकी गूंज वहां सुनाई देगी, समझे? अब कैसी लगी? पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? कितना मारेगा पहले तो, छूटा सा कर क्या? अरे कितना टाइम पास करोगे, आओ। लगी ना, कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है। हेल्प करने क्यों नहीं आया? तू ठीक है ना? अरे ये सब छोड़, उसने सच में तेरे लिए डिशुम डिशुम की? छे, काश मैं ये सब लाइव देख पाती। जब से मैं सन्यासन के रूप में आ गई हूँ ना, तब से चक्की कुमार की एक फिल्म नहीं देखी। इससे पता चलता है कि वो तुझसे कितना प्यार करता है, इसीलिए तो खतरनाक कुंफू वालों से भी भिड़ गया। उसकी डोलेशन देख के तुझे भी उससे प्यार हो गया ना? सुनना, वो बहुत ही हैंडसम है, एकदम हीरो लगता है, और तो और मुझे भी बहुत पसंद है। तुझे तो उसे शादी के लिए हाँ बोल देना चाहिए। शादी कर लूँ, पर आप तो जानती है ना मैं सन्यासी हूँ। हाँ रे, ये तो मैं भूल ही गई कि तू सन्यासन है। हाँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा है। What's it all about? Where's the hose? Yeah!
जंगल में नक्सलवादियों ने घेर लिया। ये अंडरकवर का ऑपरेशन कब से कर रहे हो? भैला मैं डॉक्टर नहीं हूँ। पुलिस का मुखबिर बनकर जासूसी करने आया है? पुलिस की? उनके साथ तो मेरा 36 का आंकड़ा है। उनकी तो धुलाई करके मैं भाग रहा था। मैं नक्सलवादी से कम थोड़ी ना हूँ। जिगर से हूँ मैं शेर, सांप का भरा है मुझ में जेर। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सब गए मुझे भाई। उन्होंने मेरी धुलाई की, मार मार के काला पीला कर दिया। कंफ्यूज था कि बीबी पहचानेगी कि नहीं। समय समाप्ति की घोषणा। पैसा लाओ। ए, कोई चीटिंग नहीं? ए, पता हा? डाल। ए, गुरुमा और उनकी शिष्या जा रही हैं। अरे ये गेम छोड़ो, उनको रोको। अरे अरे, अरे वो आ गए। हेलो हेलो गुरुमा। ए गुरुमा जी। नमस्ते 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 नमस्ते। मैं छोटी हूँ। आइए आइए हमारे घर खाने में। आइए हमारे छोटी। नमस्ते गुरुमा। नमस्ते जगह दे। वैशाली कहाँ है? हम सन्यासियों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री। प्लीज एक इंटरव्यू दीजिए। मैं मेकअप करके दूंगा। हाँ अच्छा सुनो गाइस, चैनल के लिए गुरुमा का इंटरव्यू ले लेंगे, अच्छा मौका है। चल मनाली। हाँ ठीक है। गुरुमा ये बताइए, आत्मा से परमात्मा का मार्ग क्या है? उस मार्ग के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन एक मार्ग के बारे में जानती हूँ। जिस मार्ग से तुम्हारा दोस्त बनी पीछे टेंट के रास्ते वैशाली से मिलने जा रहा है। गुरुमा को तो सब पता चल गया। कैसे पता चला? अरे बेटा ये बाल मैंने धूप में सफेद तो नहीं किए हैं। कामा त्राणम न भयम न लज्जा। अपने काम के बारे में कुछ बोल रही है? इंसान जब काम वासना में अंधा हो जाता है तो वो शर्म हया धर्म सब भूल जाता है। ऐसा मत कहिए गुरुमा, प्यार तो भगवान की तरह होता है, वो तो उसे प्यार करता है। वैशाली कोई आम लड़की है जिसे वो प्यार करेगा? तो अरे वो सन्यासन है। मुझे बस एक ही बात का डर है, कहीं तुम्हारा दोस्त कुछ गलत नहीं, 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 नहीं। वो बस दिखने में ठरकी है पर है बड़ा संस्कारी। हाय, कहाँ जा रही हो? अरे रुको, देखा ना, मैं पास आया तो दिल की धड़कनें तेज हो गई ना, माथे से पसीना छूट रहा है। सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी वही हाल है। एक बात कहूं, तुम जिस रास्ते पे हो ना वो रास्ता गलत है, और अगर रास्ता सही है तो फिर तुम गलत हो। तुमसे जरूरी बात करनी है, आराम से बैठ के बात करते हैं। बैठो, तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, बैठो। देखो क्या कमाल की खूबसूरत हो, सो ब्यूटीफुल। दिमाग क्या घास चरने गया था? क्या हुआ, मुझ पे गुस्सा आ रहा है? आए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और लाइफ में पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं खुद माँ टीवी में प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ, महीना 50,000 तनख्वाह है। मेरे पापा चंद्रमोहन भी वहीं काम करते हैं, उनकी तनख्वाह 80,000 है। अगर मैं अपनी पूरी तनख्वाह उड़ा भी दूं तो भी उनकी तनख्वाह से घर चल सकता है, खुश ना? और सुनो, बड़ा आलीशान एक घर है, हाँ? दो दो गाड़ियां हैं, ऑलमोस्ट अमीर घर का हूं मैं, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सुनो, फल और सब्जियों की भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी, खरीद सकती हो, समझ गई ना? ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड, जब कभी इमोशंस जाग जाएं मुझे बस मिस कॉल देना, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके मैं चलता हूं, बाय। ज्यादा देर नहीं रुक सकता, जो लोग मुझे आवारा समझते हैं जब उन्हें पता चलेगा कि तुम जैसी परी मेरी लाइफ में आई है तो जल के खाक हो जाएंगे, और मैं वही चाहता हूँ। ओके फैसला करके बता देना, बाय।